हेलो दोस्तों, एक बार फिर एक नई इजी टू मेक रेसिपी के साथ होम साइंस शो पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम व्रत में खाए जाने वाला उत्तपम बनाएंगे। फ्रूट दूध वगैरह तो हम खाते ही हैं, लेकिन व्रत में वेजिटेबल्स हमारे पेट में नहीं जाता है। तो आज हम वेजिटेबल के साथ व्रत में खाए जाने वाला उत्तपम बनाएंगे। इसके लिए यहाँ एक कप सामा का चावल लिया है। सामा के चावल को भगर या मुरई भी कहा जाता है। देखिए, ये इस तरह से छोटा छोटा दिखता है। इसे हर जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है। और 1/4 कप साबूदाना लिया है। इन दोनों को मिक्सी जार में डाल करके हम पीस लेंगे। सामा के चावल और साबूदाने को पीस करके अच्छा सा पाउडर बना लिया है। अब यहाँ पे 1/4 कप भुनी हुई मूंगफली को डाल करके दरदरा पीस लेंगे। इसे बाद में इसलिए डाला है कि इसे दरदरा पीस सके। देखिए, एक दरदरा पाउडर बन करके तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर 4 आलू लिया है मैंने, जिन्हें अच्छे से धो करके छील करके ले लिया है। छोटी साइज का था इसलिए 4 लिया है। आप 2 या 3 भी ले सकते हैं अगर बड़ी साइज का हो तो। अब इन्हें काट करके अच्छे से धो लेंगे। धोने के बाद इन्हें भी मिक्सर में पीस लेंगे। इन्हीं चावलों के साथ इसे डालकर हमें इसे भी पीस लेंगे। और एक छोटा सा बीट रूट है जिसे मैंने धो करके अच्छे से छील लिया है, इसे भी इसके साथ पीस लेंगे। और 4 हरी मिर्च डाल लिया है यहाँ मैंने। यहाँ आप चाहें तो अदरक का टुकड़ा भी डाल सकते हैं। अब 3-4 चम्मच पानी डाल करके इसे एक अच्छा स्मूथ बैटर पीस करके तैयार कर लेंगे। अब इस बैटर को एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लेते हैं और मिक्सी जार में जो थोड़ा बहुत लगा है थोड़ा सा पानी डाल करके उसे भी धो करके इसी में डाल लेंगे। देखिए कितना कलरफुल दिख रहा है ये। अब इसमें हम वेजिटेबल्स भी मिला देंगे। यहाँ 1 कैप्सिकम, 1 टमाटर और 2 गाजर को ग्रेट करके ले लिया है। इन सभी सब्जियों को इसमें मिला देंगे। और आप जिन सब्जियों को व्रत में खाते हैं उसे ले लीजिए और जिसे नहीं खाते हैं उसे हटा दीजिए। इसके अलावा भी आप जिन सब्जियों को व्रत में खाना पसंद करते हैं उसे मिला सकते हैं। अब सभी सब्जियों को अच्छे से मिक्स करने के बाद बैटर थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है। थोड़ा सा पानी और खूब सारी हरी धनिया मिला करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब देखिए इसके ऐसी कंसिस्टेंसी है, ये इस तरह का बैटर बन करके तैयार हुआ है। अब इसमें हम कुछ मसालों को भी ऐड कर लेते हैं। यहाँ स्वाद अनुसार सेंधा नमक, 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च और 1 नींबू के रस को डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इन्हें मिक्स करने के बाद 10 मिनट के लिए इन्हें सेट होने के लिए रख देंगे। 10 मिनट बाद ये सेट हो चुका है। सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो गई हैं। अब इसमें 1 पाउच इनो डाल करके मिक्स कर लेंगे। इस पर 1 चम्मच पानी डाल करके इसे एक्टिवेट कर लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यदि आप व्रत में इनो नहीं खाते हैं तो आप बेकिंग सोडा का यूज कर सकते हैं, मीठा सोडा जिसे कहते हैं। यहाँ मैंने पैन गरम होने रख दिया था। अब इसमें 1/2 चम्मच के करीब घी डाल दिया है और 2 चम्मच बैटर डाल करके फैला देंगे। इसे आप अपनी इच्छा अनुसार छोटा बड़ा कैसे भी बना सकते हैं। मैं यहाँ थोड़ी बड़ी साइज का ही बना रही हूँ। देखिए, इस तरह से डाल करके एक स्पैचुला की मदद से इसे मैं थोड़ा गोल कर दूँगी। अब इसे कुछ देर तक, करीब 2-3 मिनट इसे यूं ही पकने देंगे।
दूसरी तरफ मैंने एक और पैन रखा है और दो उत्तपम एक साथ बना ले रही हूँ। दोनों तरफ बनाने से काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा और उत्तपम जल्दी बन जाएंगे। अब देखिए, जो मैंने पहले डाला था इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया ऊपर से। अब इसे हम पलट देंगे। अब इस तरह से उलट पलट करके अच्छी तरह से हम इन्हें सेक लेंगे। नीचे की तरफ थोड़ा घी और डाल दिया है। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से घी या तेल लगा सकते हैं। अब देखिए, इन्हें हमने अच्छे से सेक लिया है और दोनों पैन पे का उत्तपम हमारा सिक करके तैयार हो चुका है। अब इन्हें हम सर्विंग प्लेट पर निकाल लेते हैं। अब इसे आप अपने मनपसंद डिप के साथ, दही, रायता, टोमेटो सॉस या व्रत वाली हरी ग्रीन चटनी के साथ इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में तैयार होने वाली ब्रेकफास्ट रेसिपी है। इसे अगर आप एक बार खा लेते हैं तो इसमें इतनी कैलोरी है कि आपको दिन भर भूख नहीं लगेगी और एनर्जी मिलती रहेगी। व्रत के समय इसे ब्रेकफास्ट में, लंच में या डिनर में कभी भी आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो है ना बिल्कुल आसान, इजी टू मेक रेसिपी। दोस्तों, अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कीजिएगा, और लाइक्स और कमेंट करना तो बनता ही है। फिर मिलते हैं एक नई इजी टू मेक रेसिपी के साथ। थैंक यू।